नाजरीन हूँ आपका मेजबान अगर आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे इंसान तनर आज हमारे पास लाइन पे मौजूद है मिस अमारा रहीम जो कि पैराडाइज सैलून फैसलाबाद से और हम इनसे आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी भाई? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए आप कैसे हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। आपका सैलून कैसे चल रहा है? जी सर बहुत अच्छा चल रहा है अल्लाह का शुक्र है। आपको ये कैसे शौक हुआ सैलून बनाने का? बचपन से शौक था या बाद में हुआ, क्या मसला? हाँ जी बचपन से शौक था मेरा और ये मेरा शौक शादी के बाद जाके पूरा हुआ और शादी के बाद ही मैंने ये सारा काम सीखा और फिर इसको रनिंग में लेके आई मैं। ये काफी सवाल है औरतों के खवातीन के मौसम के हवाले से कुछ टिप्स बता दें कि जैसे एक धूप की वजह से कलर खराब हो जाते हैं उनको क्या इंतजाम करना चाहिए? मौसम में इस मौसम में हाँ जी गर्मी की वजह से हीट की वजह से स्वेटिंग की वजह से कलर बहुत ज्यादा डल हो जाता है। एक तो ये वजह तो होती है कि इस मौसम में पानी ज्यादा हमारी बॉडी को चाहिए होता है, जितना हमारी बॉडी पानी मांगती है उतना हम लेते नहीं। प्रॉपर अगर पानी ज्यादा इंटेक करें तो कलर भी इतना ज्यादा डल नहीं होता, ठीक है। बाकी कलर को कैसे बचाया जाए इसमें इस मौसम में विटामिन सी की बहुत जरूरत होती है, जैसे कि लेमन हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, उसमें विटामिन सी होता है। जी थैंक यू। और अगर किसी के एक्ने है उनके एक्ने ऑयली स्किन पे होते हैं, जब ऑयली स्किन होती है तो एक्ने आते हैं या ओपन पोर्स होने की वजह से भी एक्ने आते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी मैं आपको टिप बताती हूँ। आपने क्या करना है, गुलाब के अरक में फटकरी लेके फटकरी को खिल करना है, जिसे कहते हैं हीट देना, जब हीट मिलती है तो वो खिल हो जाती है, उसका पाउडर पेस्ट बनाना है आपने और गुलाब के अर्क में डाल के स्प्रे बना के आप फ्रिज में रखिए और ठंडी शावर यानी डेली फेस पे करेंगे, वो स्प्रे फेस पे करने से एक्ने भी नहीं होगा और दूसरा जो पोर्स ओपन है वो भी क्लोज हो जाएंगे। काम करती है इसमें एक फन अपनाना पड़ता है या एक मास्क काम इसका काम पर एक किसके पास फन ही होता है ना कि वो फन के लिहाज से कस्टमर ज्यादा आते हैं? जादू जी जी जादू करते हैं हम। आप देखने वालों को मैं यही कहूंगी कि आप मेरा भी चैनल विजिट करें पैराडाइज सैलून और वहां पे देखिए कि मैं क्या जादू करती हूँ। जाहिर है हमारे पास फेस इतने खराब भी आते हैं सही भी आते हैं और हम उनकी लुक चेंज करते हैं, ये फन ही तो है हमारा। अच्छा ये सिस्टर का चैनल का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में मेंशन हुआ पड़ा है, अगर किसी को इसके साथ पर्सनल बात करनी है क्योंकि लाइव प्रोग्राम में कोई नहीं बता सकता आपने एक कलर के बारे में तो एक पर्सनल मामला होता है, अगर कोई लिंक ज्वाइन करके पर्सनल बात करना चाहता है सिस्टर से तो कर सकता है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ज्वाइन कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बहुत अच्छा आपने किया, काफी सारे लोगों की हेल्प किया आपने मेरा लिंक अटैच करके। जो लोग ऐसी खवातीन भी हैं जो घरों से बाहर नहीं निकल सकती और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छा कोर्स नहीं कर सकते, कुछ लोग ऐसे भी हैं इसमें कि अगर अफोर्ड कर भी लेते हैं कि टीचर नहीं अच्छे मिलते उनको तो वो क्या करती है अपनी टाइम भी जाया कर लेती है और पेमेंट। तो वैसे भी कोरोना चल रहा है ना इसलिए बाहर निकल नहीं सकता कोई बंदा। हाँ जी ये तो है और ये उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि वो मेरे चैनल पे आए, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं वहाँ पे मैंने नंबर भी अपना अटैच किया है और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पे फ्री हम सिखाते हैं, बातचीत होती है, हर मसले का वहाँ पे हल किया जाता है, तो जो भी मेरी बहनें ऐसी हैं वो जरूर कॉन्टेक्ट करें, इंशाल्लाह जितना हो सकेगा मैं हेल्प करूंगी। अच्छा लैचीज को सेल्फ मेकअप कितना करना चाहिए लेडीज को? जी जी लेडीज को मेकअप उतना करना चाहिए जितना वो अच्छा लगे, यानी कि ओवर ओवर बहुत ज्यादा बेस लगाना, स्किन टोन को नहीं देखना, ये नहीं होता, सबको पता है लिपस्टिक कहाँ लगती है, ब्लश ऑन कहाँ पे लगता है, आईज कलर कहाँ पे लगते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप थोप लें, तो बस आप जो नेचुरल अच्छा लगे आपकी स्किन पे उतना मेकअप कर लें। ये मेकअप करने से नुकसान कौन से हो सकते हैं और कब हो? जी मेकअप करने से ये है कि लोकल बेस लोकल चीजें जब स्किन पे लगती हैं तो फिर तो नुकसान हो सकते हैं, अगर आप किसी ब्रांड को यूज करते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं, मगर ब्रांड भी अगर आप यूज करते हैं तो स्किन को क्लींस करें,
उससे यह है कि आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी, खराब नहीं होगी। और एक सिस्टर ने मुझे एक पर्सन को मैंने एक पोस्ट लगाया आपकी पेज पे, तो वो मैसेज है उनका, तो वो कहते हैं कि मेरा चेहरा पहले साफ था तो मुझे शौक था कि चेहरे को रेड करना है, तो इसलिए मैंने एक तरह तरह की जो क्रीमें वगैरह अपनाना शुरू कर दी, तो अब मेरे चेहरे पे ना दाने से बन गए हैं, ऐसे जैसे दाने होते हैं ना वो काफी हो जाते हैं। उसकी वजहत ये होती है, आपको मैं एक बात बता दूं, जब कंपनी एक क्रीम तैयार करती है तो वो 10 चीजें मिक्स करके फिर एक क्रीम बनाई जाती है। हमारी आवाम क्या करती है कि वो 10 क्रीमें लेके उसमें 22 क्रीमें और डालती हैं, तो वो जाहिर स्किन पे साइड इफेक्ट तो करेंगे ना। तो ये बात ये है कि जितना स्टेलाइजर उसमें ज्यादा बढ़ता जाएगा उतनी स्किन डैमेज होती जाएगी। अच्छा 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 ठीक है। अच्छा आपके सैलून में क्या क्या काम किया जाता है? हमारे सैलून में ज़ाहरा सैलून है, लेडीज का सैलून है ये, तो लेडीज के हवाले से जो भी है इसमें स्टीट्स, हेयर कलर्स और ब्राइडल मेकअप, वलीमा मेकअप, पार्टी मेकअप, फेशियल सारा कुछ चलता है। मैं आपको एक बात बताती चलूं कि मैं जो सारा आते हैं टीवी पे काफी फेमस है, उनके नाम बताने की जरूरत नहीं, वो उनकी तारीफ खुद ही है, वो उनका नाम ही काफी है, सरकाशी फसलम, मैं उनकी स्टूडेंट हूँ और मैंने वहां से कोर्स किया था। और दूसरी बात, मैंने 5 जगह से और भी कोर्स किया है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम क्या है मेरे देखने वाले ये जान सकते हैं, मैं उनको ये बताती चलिए कि मेरी जो आइडिया टिकटॉक की वो पैराडाइज लॉन 1 है, वहां पे जाके मेरा काम चेक कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे पैराडाइज लॉन सर्च करेंगे तो वहां भी काम चेक कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि रेट मेरे बहुत हाई फाइपिंग है, मगर मैं गरीब को देख के जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी लेस करती हूँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर उनसे जो हमारे फिक्स रेट है मैं उनसे वो ही लेती हूँ। ठीक हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, इंसानियत वाली बात है। अच्छा आपके जो सैलून है उस पे एक अगर कोई बंदा आ जाता है उसके बाल उसके सही नहीं है, तो अगर वो बनवाने आ जाए तो वो भी हो जाता है काम? एक लड़की मुझसे पूछ रही थी कि मेरे बाल जो हैं वो सख्त हैं, तो तब होते हैं जब वो केयर नहीं करती हेयर की, हेयर ऑयल यूज नहीं करती। अब तो ये ट्रेंड है कि हेयर ऑयल तो बिल्कुल भी कोई यूज ही नहीं करता है, और ऊपर से केमिकल इतने यूज करती हैं, जैसे कि स्टिक्स करवा ली, केराटीन करवा लिया, रिबॉन्डिंग करवा ली, स्टेंसो करवा ली, ये बहुत केमिकल है हेयर के लिए ना, तो वो डैमेज हो जाते हैं। फिर बाल जब बाल डैमेज हो जाते हैं उसके अंदर से केराटीन बिल्कुल खत्म हो जाती है तो फिर बाल हार्ड हो जाता है, तो उसके अलग से ट्रीटमेंट किए जाते हैं, तो वो हमारे सैलून में होते हैं। जैसे केराटीन हम करते हैं वो बालों की गजा है, तो उससे बाल बहुत स्मूथ और सिल्की और शाइनी हो जाता है। बाकी मैं अपने व्यूअर्स को ये भी एक टिप्स देना चाहती हूँ, जिनके अभी बाल इस मौसम में हेयर फॉलिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि विटामिन सी जरूर लें, सी कॉर्न टेबलेट लें, सी एसिड टेबलेट लें, वो जो कि पानी में डाल के कैल्शियम की पी जाती है, उससे भी आपके बाल कम गिरेंगे। अच्छा एक और सिस्टर है वो कहती है कि मैं पहले बालों को कलर करती थी, अब मेरे बाल व्हाइट होने लगे हैं, तो उसके लिए कई सॉल्यूशन उसका? जी, बाल व्हाइट होने की वजह ये है कि लोकल डाई लगाना, लोकल ब्रांड यूज करना, या फिर जो उसका वॉल्यूम है जैसे 30 वॉल्यूम 40 वॉल्यूम जब इसको यूज किया जाता है तो रूट्स में बाल यूज कर लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि रूट्स में ये इतना हैवी वॉल्यूम नहीं अप्लाई किया जाता, तो वो फिर उसकी वजह बनती है कि व्हाइट बाल आ जाते हैं। मगर व्हाइट बाल जब आ जाते हैं तो फिर इनसे जल्दी छुटकारा नहीं मिलता जब एज से पहले आ जाते, एज के बाद तो आते ही हैं, उसका तो कोई हाल ही नहीं है। अच्छा इसका कोई सलूशन है? जी उसका है ना, यही है कि फिर वो कलर करवाएं पूरी लाइफ अपने, जो भी उनकी विश है, जो भी कलर लेना चाहती है तो फिर कलर करवा सकती हैं। मैं ये पूछ रहा था कि बंदा हर वक्त कलर तो नहीं करवा सकता, कोई फंक्शन होता है या कोई शादी होती है या कोई प्रोग्राम होते हैं तो तब कलर करवा के जाया जाता है?
घर में कौन सा आहार या रोज कलर के? हाँ जी, अब तो ये टेंशन वाली बात गई नहीं ना, अब तो हेयर कलर शैम्पू आ गया कि आप शैम्पू यूज करें, बाल ढाई हो जाते हैं उससे, ठीक है। हेयर स्प्रे आ गई है कि आप ब्लैक ले लें, गोल्डन ले लें, हेयर स्प्रे करें तो आप कोई भी पार्टी में जा सकते हैं जी। नाजरीन, ये बहुत सिस्टर जो है ये काम करती है, उनका अपना सलून है माशाल्लाह, और ये फैसलाबाद से ताल्लुक रखती है, तो ये आप अपना एड्रेस ही बता दें ताकि जो करीब करीब के हैं वो आ सके आपके सलून। जी जी, मोस्ट वेलकम। मेरा एड्रेस है जी जैंग रोड एरिया, पान दुनिया मॉडल बाजार, ठीक है, और पैराडाइज लॉन है, गली नंबर 2, ठीक है। तो जो भी फैसलाबाद से, बल्कि एक चांस मुझे जरूर दें, कॉन्टेक्ट करें मुझसे, इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम मिलेगा उनको। जी सिस्टर की पहले आईडी पे जाएं और उनको फॉलो करें, उसके बाद उनका कॉन्टेक्ट वहां पर होगा, पहले इनसे कॉन्टेक्ट कर लें, फिर ये मोस्ट वेलकम, ऐसी बात है। जी जी, हाँ जी जरूर, मोस्ट वेलकम, मेरे चैनल में जरूर आए, क्योंकि मुझे उन लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है जो कि बहुत परेशान है, क्योंकि अब तो आपको पता है कोरोना की वजह से काम भी बिल्कुल स्लो है, घर में बैठी लेडीज इतनी परेशान है, वो खुद कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो वो मेरे चैनल पे आए, इंशाल्लाह मैं उनको बहुत कुछ सिखाऊंगी, वो घर बैठ के अपना काम स्टार्ट कर सकती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कितने इयर्स का है? मेरा एक्सपीरियंस 16 साल का है, 16 साल से मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ। ये काम ऐसा है कि जितना भी इसमें सीखे बहुत कम है, तो जैसे ही हम सीखते हैं वो न्यू चीज आ जाती है, फिर वो सीखते हैं फिर न्यू आ जाती है, तो इसलिए ये चलता रहता है, तो साथ साथ सीखा भी जाता है और सिखाया भी जाता है। अभी मेरे पास जो बच्चियां अभी तक सीखे मुकम्मल 3 बैच जा चुके हैं, मेरे ख्याल से 30 से 35 लड़कियां मेरे से काम सीख चुकी हैं। अभी भी जो रनिंग में है तो वो तकरीबन मेरे पास आ रही है 16 लड़कियां। अच्छा, जो लड़कियां आपसे सीख के जा चुके हैं, उनका अपना सलून बनाया है या उनने काम शुरू किया या खुद अपने के लिए सीखा है बस? जी जी, जिनको परमिशन है कि वो काम करना चाहती थी, उन्होंने तो ओपन किया अपने घर के अंदर ही सलून। अभी कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं कि शादी के बाद जाके हस्बैंड की परमिशन से करूंगी, आपको पता है कि वालिदैन भी नहीं परमिशन देते पासपोर्ट के घर पे आप सलून बनाए, तो फिलहाल उन्होंने अपना शौक पूरा कर लिया, काफी हद तक बच्चों ने सलून बनाए भी और कुछ ने नहीं बनाया। तो अगर आपकी स्टूडेंट है, आप जब उनके सलून पे जाती हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? वो तो माशाल्लाह मेरी स्टूडेंट इतनी लाइक पाई है और मुझे इतना लाइक करती है, इतनी इज्जत देती है, तो बड़ी खुश होती है। फिलहाल तो मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं उनके सलून पे जा सकूं, बार बार विजिट कर सकूं, ऐसा तो नहीं होता, तो मेरे पास खुद के पास इतना टाइम नहीं होता। बाकी स्टूडेंट इतनी इज्जत देती हैं, जितनी बच्चियों ने सलून बनाया उनकी विश है कि हमारी आप ही के हाथों से ओपनिंग करवाएं। अच्छा माशाल्लाह, अच्छी बात है। आप ये सलून कितने अरसे से ओपन किया है? ये मैंने ओपन सीखा तो मैंने 16 साल से सीख रही हूँ, मगर ओपन मैंने 11 साल से किया है। ये पुराना 11 साल से आप इसको ओपन चला रही हैं? जी जी। फिर तो काफी एक क्या कहते हैं टीचर, बहुत बड़ी टीचर हो, जो 35 जो स्टूडेंट आपसे कामयाब होकर जा चुके हैं, अभी कितना सीख रहे हैं? अभी स्टूडेंट कितना सीख रहे हैं? अभी भी आपको मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, एक तरफ मैं आपको दिखा नहीं सकती, आपकी क्लास चल रही है स्टूडेंट की, तो वो बच्चियां सीख रही हैं, शुक्र है अल्लाह ताला का कि वो भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। ज्यादातर हाँ जी जी, ज्यादातर जैसे कि अभी हाइड्रा फेशियल आ गया, फेशियल के स्किन के हवाले से बात करें, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, बहुत सारे गैजेट आ गए हैं स्किन में। पहले तो आपको पता है हैंड के साथ फेशियल किया जाता था, अब इतने गैजेट इतने टूल्स आ गए हैं, हाइड्रा यूनिट आ गए हैं, जैसे कि 1.5 लाख तक का हाइड्रा यूनिट आता है, वो बहुत अच्छा स्किन को ट्रीट करता है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, और वो फेशियल भी बहुत महंगा होता है तो उसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आपके सिटी में से अगर कोई सिस्टर आपसे सीखना चाहे तो उसके चार्ज कितने होते हैं आपके? चार्ज तो मैं 1 लाख चार्ज करती हूँ मुकम्मल कोर्स का। उसमें ये है कि सारा स्टॉक हमारा होता है, क्योंकि बच्चियां जाया बहुत करती हैं, जैसे कि 20 लगाई सही नहीं बनी, फिर रिमूव किया या आइस बनाई फिर रिमूव किया,
कोई भी चीज चलती है यानी कसाई नहीं तो दोबारा रिपीट की जाती है, तो उसमें सारा कुछ मेरा ही होता है। मगर ये भी नहीं है कि मैं हर बंदी से 1 लाख ही डिमांड करूं, अगर कोई बच्ची नहीं अफोर्ड कर सकती तो उससे मैं काफी हद तक लेस भी करती हूँ। ये कितने अरसे का कोर्स होता है? ये कितने अरसे का कोर्स होता है आप अक्सर सुना होगा आपने, ये 3 माह में या 6 माह में कवर किया जाता है। मगर मगर मेरा कहना ये है कि बच्ची का जेन होना चाहिए। हम बताएं वो पीको जल्दी करती है तो फिर जल्दी वो कोर्स कर सकती है। पांच बच्चियां ऐसी भी हैं कि वो अभी 1 माह में आके फ्री भी हो चुकी हैं। जो आप चार्ज लेती हैं 1 लाख, ये फास्ट में लेती हैं या मंथली तौर पर लेती हैं या सेकंड में लेती हैं? अच्छा, एडवांस में लेते हैं। जी हम एडवांस में लेते हैं। जाहिर है बच्ची है, आजकल ऐसा भी हो सकता है, दो स्टूडेंट ने तो बल्कि ऐसा किया भी था मेरे साथ। जब स्टार्टिंग में मैंने पार्लर ओपन किया था, उन्होंने कहा कि आप ना ऐसा करें कुछ अभी ले लें, कुछ लास्ट पे ले लीजिएगा। तो वो जब देखती हैं कि हम आप ये ऐसा कर रही है, वो सारा कुछ कवर कर जाती हैं। बाद में फिर वो बहाना कर लेती हैं, जी अभी हालात नहीं है, अभी अफोर्ड नहीं कर पाए, बाद में दे देते हैं ऐसा। इस वजह से अब हम पहले एडवांस लेते हैं, फिर मैं कोर्स करवाते हैं। जी जी नाजरीन, यहाँ पर जो भी देख रहे हैं और सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरी बात कि ये जो सिस्टर है आपके सामने, एक बड़ी टीचर हम बात है और एक 35 लड़की जो इनसे कामयाब हो चुकी हैं, और ये देखो फीस जो लेती हैं, जितना वो कहते हैं कि गुड़ उतना मीठा, तो एक मिसाल है, ये जितना ज्यादा फीस लेती है इनके काम भी उतना ज्यादा होगा। तो आप एक दफा पैसे लेते हैं और बना लेता है इसमें, अगर आप सीख के अपना कारोबार शुरू करना चाहती है तो 1 लाख से कई लाख आप निकाल सकते हो। तो बड़ी बात नहीं है ये, इसलिए मैंने एक बार फिर कह देता हूँ कि इनके चैनल का नाम पैराडाइज सैलून है, तो वो उसका लिंक जो मेंशन किया हुआ है, जाके उनको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी किया गया, ताकि शेयर करने से जो गरीब लोग हैं घरों में बैठे हुए हैं, जो सैलून पे नहीं जा सकते और वो घर में, अच्छा सिस्टर आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो घर में बैठी हुई है अपनी तरफ से ऐसा पैगाम दे दे जो वो खुद को कंट्रोल कर सके। मैं जो घर में बैठी है, घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो अपना पेमेंट नहीं जाया करना चाहती, अपना टाइम नहीं जाया करना चाहती, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल पे आए और उनसे ये है मुझे मैसेज एक करें, मैं उनको अपने ग्रुप में ऐड करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में। आपको पता है मंथली पैकेज अगर व्हाट्सएप का हम लगा लेते हैं तो वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। और पूरी ईमानदारी से वहां पे सिखाया जाता है, जो भी पूछा जाता है अच्छा गाइड किया जाता है, उसमें वीडियो हम डालते हैं बकायदा काम की, मेकअप की, और वो फिर चेक भी करवा सकती है अपने घर में बैठे, अपने बच्चों पे, अपनी बेटी पे, किसी पे भी काम करके हमें वहां पे चेक करवा सकती है। जो आप किस नाम पे नहीं आ सकती, आउट ऑफ कंट्री की है, जैसा कि लाहौर की रांची, वो ऑनलाइन, हाँ वो ऑनलाइन क्लास ले सकती है, ऑनलाइन क्लास ले सकती है और आपके व्हाट्सएप पे ऐड भी हो सकती है, कोई समझ ना आए तो आपसे लेक्चर ले सकती है। उनके लिए कितना चार्ज होंगे? उनके लिए भी कोई चार्ज नहीं, ये तो भी मौका होगा उनके लिए। हाँ जी, वही तो बात मैं उस तब से आपको बता रही हूँ, शायद आपको मेरी समझ नहीं आई कि जो हमारे ग्रुप है उसमें फ्री सिखाया जाता है। बस ये है कि आप लोगों का हक बनता है, अगर मैं आप लोगों की इतनी हेल्प करती हूँ तो बस मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। जी ये उन लोगों के लिए जो एक गरीब है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फीस नहीं अदा कर सकते, तो उनके लिए सुनहरी मौका है कि सिस्टर के चैनल को सब्सक्राइब करें, इनको ज्वाइन करें, ये स्टेप बाय स्टेप। अच्छा सिस्टर, आपकी तकलीफ तो होगी ना कि किस तरह आपने क्लास लेनी है। फॉर एग्जांपल 10 लड़कियां आपके ग्रुप में आज ऐड होती हैं, अगर ये 15 दिन के बाद 10 और ऐड होती हैं, तो आपके एक स्टेप होते हैं ये मेकअप के भी। मैं आपको बताती चलूं हमारी रूटीन क्या है। हमारे जो ग्रुप है व्हाट्सएप, उस पर हमने डे रखे हुए हैं, ठीक है। डे के हिसाब से फिर बात की जाती है कि फलां डे पे मेकअप की बात की जाएगी। जैसे कि संडे है, संडे पे हम इस्लामी पोस्ट वगैरह कुछ भी, फ्राइडे पे हम इस्लामी पोस्ट कुछ भी डाल सकते हैं, दीन के हवाले से वहां पे बात की जाती है। फ्राइडे पे संडे को हम मेकअप करते हैं, मेकअप पे बात होती है,
ऐसे हमने डे रखे हैं, फिर हेयर थ्योरी पे बात होती है, डे बाय डे हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना ऐसे चलता है। और एक और मैसेज मैं देना चाहूंगी कि बहुत सारी खवातीन अपने ना फेस खराब करके बैठी हैं, जैसे अभी आपने पहले कहा कि स्टीलाइजर क्रीम में फार्मूला क्रीम जो बहुत लिखाती है, तो उसके बाद क्या होता है, उनका फेस बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, फ्रैकल आ जाती है। जब फ्रैकल आ जाती है ना तो उसका कोई हल नहीं है फिर, ठीक है ना, फ्रैकल। और हमारे पास ऐसी चीजें हैं कि मैं दावे से कहती हूँ कि वो एक्ने है या फ्रैकल है तो वो चीजें अप्लाई करेंगी तो इंशाल्लाह बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उनको। अच्छा, एक सिस्टर ने मुझे मैसेज किया, वो कहती है कि रोज बड़ा मेकअप करने से ढल जाता है, उसका कोई हाल है? जी जी, खुद से मेकअप करने से हट जाता है, यानी उनके कहने का मकसद है कि बेस खराब हो जाना, बेस का फट जाना या बेस प्रॉपर सही नहीं बनना, तो उसके लिए ये है कि आप नीचे प्राइमर यूज कर सकते हैं, जैसे कि शावर कर सकते हैं, आइस कर सकते हैं, ठंडे पानी से फेस को वॉश कर सकते हैं, ये सारे हल होते हैं। बाकी ये है कि ब्लेंडिंग अच्छी होगी आपके बेस की तो प्रॉपर बेस फिर नहीं हटता। ऐसा कोई मेकअप बताएं जिससे करने से मालूम ना हो बंदा मेकअप किया हुआ है कि नहीं? जी जी, ऐसा मेकअप अगर जैसे कि बाहर जा रही हैं, मार्केट जा रही हैं, तो वो सॉफ्ट बेबी मेकअप कर सकती हैं, अगर बस वन टच बेस लगाई, हल्का सा ब्लश ऑन लिपस्टिक, ये सारे जो तरीके हैं ये सारे मैंने अपने चैनल पर शेयर किए हैं, छोटी छोटी सारी टिप्स भी बताई हैं, तो जिनको चाहिए तो वो जरूर वीडियो देखें, वहां पे जाके इंशाल्लाह काफी हेल्प मिलेगी। सर लास्ट क्वेश्चन की कोई ऐसी क्रीम बता दें जो जिसके नुकसान ना हो और वो बंदा हर रोज भी लगाए तो आसानी से लगा भी सकता है और साइड इफेक्ट ना हो, कोई ऐसी क्रीम बता दूं, बात तो वो ही आगे की क्रीम में कोई भी अगर व्हाइटनिंग क्रीम लगाएंगे तो उसमें तो साइड इफेक्ट तो होना ही है, बाकी ये है कि मिक्स करके कोई क्रीम ना लगाएं। अगर आपका दिल करता है कि आप फेयर होना चाहते हैं तो फिर अपने स्किन की थोड़ी सी केयर करें, नाइट में क्लींस करके सोए, पानी ज्यादा पिए, विटामिन सी ज्यादा लें और उससे आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, हेल्दी स्किन रहेगी। और गजा सबसे ज्यादा बेस्ट इसमें जो ऑप्शन है कि हेल्दी गजा, जैसे दूध ज्यादा लेना, दही लेना, प्रॉपर अपनी डाइट भी अच्छी करेंगे तो जाहिर है अच्छी स्किन रहेगी। एक तो आप पेमेंट जाया करते हैं यानी पैसा जाया करते हैं और फार्मूला क्रीम से लगा के अपनी स्किन का भी बेड़ा गर्क करते हैं, तो उससे बेहतर यही है कि आप अपनी गजा अच्छी करें, अपनी स्किन की केयर करें। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, और एक बार फिर अपना एड्रेस बता दें सलून का ताकि जो आकर मैं उनको भी पता चले। जी जी, मेरा जो एड्रेस है जी जंग रोड और फन दुनिया मॉडल बाजार और अली हुसैन कॉलोनी। और थैंक यू, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी, थैंक करना चाहूंगी कि आपने मुझे इन्वाइट किया, और देखने वालों का भी मैं थैंक यू करना चाहूंगी जिनको हमारा काम या मेरी बातें या जो भी मेरी टिप्स हैं वो अच्छी लगे तो मुझे मेरे चैनल पे कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू जी, और बहुत शुक्रिया सिस्टर आपका भी, जो नासिन देख रहे हैं उनका भी, और देखते रहें एसएसए इंसानियत चैनल की। एसएसए इंसानियत चैनल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम नोटिफिकेशन से बाखबर रहें।